खबर आ रही है कि एक्स क्रिकेटर शुभांकर वर्मा जो मैच फिक्सिंग के चार्ज में गिरफ्तार हुए थे आज दोपहर से गायब हैं। पुलिस उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। उनका अनुमान है कि जेल से बचने के लिए शुभांकर ने खुदकुशी कर ली। ओ, तुम? सामने देख रही हो टीवी पर, जिस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा था आज उसे ऐसा करारा थप्पड़ मारा है कि पूरी दुनिया उस पर थूक रही। मेरी इंसल्ट की थी ना, आज बुड्ढा ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ। गुड, हो गया ना तुम्हारा बदला पूरा? अब प्लीज प्लीज अंकल को छोड़ दो, वरना पुलिस जय को अरेस्ट कर लेगी। वैसे भी बहुत स्मार्टली तुमने सारे सबूत जय के अगेंस्ट प्लांट किए। अगर जय चला गया तो क्या, हाँ मर जाएगा? अपना दिमाग ज्यादा ना ही चलाओ ना तो काफी। इनफैक्ट इससे जय और राजा के बीच दूरी पड़ेगी। एक काम करो, जाओ जाओ अंदर जाओ, बूटे को पूछो कुछ चाहिए कि, जाओ। अरे जाओ, जियो मैडम ने पिज्जा मंगवाया। ऐश्वर्या ने मंगाया होगा। कहाँ पिज्जा? लाओ। पहले पंच खा फिर पिज्जा खाइए। कि तुम, तुझे क्या लगा मेकअप करना सिर्फ तुझे ही आता है? जेतू ये तो तेरे पर पहले से डाउट था कि ये सब तूने किया होगा सम्राट, लेकिन तेरा एड्रेस नहीं था। लेकिन आज जब तुमने ऐश को कॉल किया मुझे सब समझ आ गया, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आया। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे कि मैं तुझे पिछली बार छोड़ दिया। जय, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों किया तुमने सम्राट ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे तुझसे बदला लेना था। जय, शुभांकर जी के फोन का लोकेशन पता लग गया है। साले तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? सम्राट, सम्राट प्लीज जय को छोड़ दो। सम्राट मित्तल ना कभी कुछ भूलता है ना किसी को भूलने देता है। तेरे सर पे लगी थी ना साले। सम्राट, सम्राट जय, जय खून आराम से बेटा। अगर ये थप्पड़ तुझे कुछ साल पहले मारा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। देख खुद को, क्या हो गया है तू? जानवर बन गया है तू, जानवर। गलती तेरी नहीं,
गलती मेरी है। नहीं मम्मा, ऐसा हाँ हाँ सम्राट ऐसा ही है, मेरी परवरिश में कमी रह गई, क्योंकि न मैं तुझे औरतों की इज्जत करना सिखा पाई और न सही गलत की पहचान। तेरे गलतियों की सजा तुझे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, I am at fault. चाची क्या कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए चाची। चाची क्या कर रहे हो? मुझे वो कर रही है। बस बेटा, सम्राट ने ही तुम्हारे पापा को किडनैप किया था। क्या? और उन्हें ढूंढा जैद। जैसे ही हमें ये खबर पता चली हम फौरन यहां आ गए। मतलब अंकल अंदर है। पिता दर्द हो रहा है, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात सुन लो, एक शब्द नहीं, एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी कोई माफी कोई सॉरी हमारे बीच इस कड़वा को ठीक नहीं कर पाएगी। एक सेकंड में इतना छोटा बना दिया तुमने हमारी दोस्ती को, चता दिया के हमारी दोस्ती तो दोस्ती थी नहीं, मजाक थी, है ना? प्लीज अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है कि भरोसे की नींव पे रिश्ते बनाने वाली आद्या वर्मा मैं इस दोस्त पे भरोसा ही नहीं कर पाई। नहीं जी, कोई और ये करता ना तो कम बुरा लगता, या मे भी शायद फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये चोट तुमने दी है आद्या। क्या हुआ? हम लोग तो एक टीम थे ना, हम हर प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते थे, सब कुछ साथ में लड़ते थे, तो फिर क्या हुआ? तो क्या हो गया फिर? नहीं रही टीम, एक झूठे एसएमएस और एक नकली पोस्ट ने सब खत्म कर दिया। लेट मी फिनिश। तुम ये कहा करती है ना, जिस रिश्ते में गलत फहमियां बढ़ जाए उनकी उम्र लंबी नहीं होती, जहां यकीन टूट जाए वहां रिश्ता भी टूट जाता है। ठीक है आद्या, टूट गया सब टूट गया, हमारी दोस्ती हमारी टीम भी और हमारा रिश्ता भी। नो, आज तक तुमने मेरी नहीं सुनी ना आद्या,
अब मैं नहीं सुनूंगा। एंड लेट मी टेल यू, जिस रिश्ते में ट्रस्ट ना हो, इतने डाउट्स हो, इतना दर्द हो, वो दोस्ती मुझे चाहिए ही नहीं। सो मिस आद्या वर्मा, अभी इसी वक्त मैं तुमसे जुड़ा हर एक रिश्ता खत्म करता हूं।